जी बताएं, यहाँ से स्टार्ट करें। ये है पुदीना। सही। इसका नाम क्या पापा ने बताया? स्टीविया। ये स्टीविया है। ये दोनों एलोवेरा है। ये भी पुदीना है। ये क्या? ये प्याज है। ये है नियाज़बो। और ये है टमाटर के, ये भी। ये मिर्चों के हैं ये दोनों। ये लहसुन लगा हुआ है इसमें। ये भिंडी की है। हाँ, भिंडी भी। और ये आलू है इसमें। ये चुकंदर है और उसमें भी आलू के लगे हैं। चलें जी। ये रहा मम्मा का किचन गार्डन, छोटा सा। अभी तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो रहा है और मेरी सुबह अभी हुई है। मैं अभी आई हूँ और ये चाय पी जा रही है और साथ साथ ये किचन गार्डन का टूर किया है। अच्छे घर की फसल होगी, एटलीस्ट आलू तो घर के होंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल फूडिस्टिक गर्ल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटी फटाफट बनने वाली आलू शलजम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी नहीं मामा की रेसिपी है और वही बनाएंगी। चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मामा ने आलू और शलजम को हाफ बॉईल कर लिया था पहले से, ठीक है? ये देखिए हाफ बॉईल। अब हम यहाँ पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए ऐड कर देंगे, जिनको हम हल्का सा सौटे करेंगे। ये देखिए अब ये प्याज जैसे ही सौटे होने स्टार्ट होंगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मामा ने बहुत ही ज़्यादा बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड किए थे, कोई ज़्यादा मसाले शसाले ऐड नहीं किए थे। ये है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही आप देख रहे हैं, चम्मच का साइज़ भी। मामा ने सॉल्ट ऐड कर दिया था इसमें। नमक ऐड हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे इतनी सी हल्दी, पूरे घर में मलदी। बताएं क्या चीज़, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बचपन में ये पहेली हम सबको रटी हुई होती थी, हर किसी की ज़बान पे होती थी। अब इस स्टेज पे मामा ने बीच में टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सालन में। ये देखिए अब इसमें मामा ने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाला नीचे लग ना जाए और टमाटर जो हैं हमारे वो अच्छे से गल जाएं। साथ ही मामा ने इसमें मेथी ऐड कर दी है। सर्दियों में तो मेथी हर चीज़ में दिल करता है डालकर खाएं। तो ये देखिए मेथी ऐड करके और फिर इसको अब कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाला अच्छे से भुन जाए। इस स्टेज पर जैसे ही हमारा मसाला सही से भुन जाएगा हम इसमें शलजम और आलू जो हमने हाफ बॉईल करके पहले से रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे, ठीक है? और ऐसे प्यार से चम्मच चलाना है ताकि किसी भी आलू या शलजम को फ्रैक्चर ना हो। ये देखिए जी चम्मच चलाने के बाद पतीले को थोड़ा आहिस्ता बजाइएगा, पड़ोस वालों को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि घर में कुकिंग हो रही है। और इसमें जो भी आपके सामने एक चीज़ मामा ने ऐड की थी वो ज़ीरा था। और ये देखिए फाइनल लुक, हमारे गर्मा गर्म धुआँदार शलजम आलू तैयार हैं। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं तो रोटी के साथ खाएं, और अगर चावल के साथ खाना चाहें तो आप इनको सफ़ेद चावलों के साथ खा सकते हैं। मुझे तो हर चीज़ चावलों के साथ पसंद है। ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।